हेलो गाइस, वेलकम टू इनोवेटिव मॉमीज। मैं हूं आपके साथ ईशा। आज हम बात करेंगे कि क्या हमें बच्चों की आंखों में काजल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे पुराने लोग मानते थे कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें सुंदर होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, नज़रें तेज हो जाती हैं, या फिर नज़र से बचाने के लिए लोग बच्चों को काजल लगाते हैं। इस बारे में भी पूरी बातचीत करेंगे, क्या सच में इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट है या नहीं, डॉक्टर इसके लिए क्या सलाह देते हैं, आपको लगाना चाहिए काजल की नहीं लगाना चाहिए, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और साथ ही साथ में इसके साइड इफेक्ट्स भी जानेंगे कि काजल अगर आपने अपने बच्चे को लगाया तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। सच में जो है काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं, सुंदर होती हैं, नज़रें तेज होती हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स जंप इनटू इट। तो पुराने लोग मानते हैं, बल्कि आजकल के भी बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी हो जाती हैं, काली हो जाती हैं और पलकें भी बड़ी हो जाती हैं। साथ ही साथ में बच्चे के नैनक्स जो हैं वो शार्प हो जाते हैं, बच्चे की नज़र तेज हो जाती है। मैं आपको सबसे पहले क्लियरली ये बता दूं कि जो बच्चे की आंखें हैं, बड़ी होना, छोटी होना या फिर पलकें बड़ी होना, ये टोटली डिपेंड करता है जेनेटिक फैक्टर पे। जो जीन्स डिसाइड कर लेती हैं एक बार कि बच्चे के फीचर्स कैसे होंगे, वही होते हैं। काजल लगाने से उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बच्चे को काजल लगाते हैं तो उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट ही होंगे, बच्चे को उसका फ़ायदा नहीं होता है। बेनिफिट्स तो खैर क्या ही हैं, इसके जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि काजल बना किससे होता है। जो मार्केट में मिलने वाला काजल होता है ये बना होता है 99% लेड से, और लेड एक ऐसा हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारी बॉडी में किसी भी फॉर्म में चाहे, या फिर आप बाहर भी बॉडी पे लगा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट या उसका कोई साइड इफेक्ट ही होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही एक जो है टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ये समझ लीजिए आप, जहरीली चीज़ है। तो अगर आप बच्चे को आंख में काजल लगा रहे हैं जो लेड का बना हुआ है, तो उससे बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आप बोलेंगे कि हम तो बच्चे को जो है घर का जो बना हुआ काजल है वो लगाते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, जो घर का बना हुआ काजल होता है उसमें भी कार्बन होता है जो बच्चों के लिए सही नहीं है। तो अगर आप घर का काजल भी लगाते हैं तो वो भी बच्चे के लिए सही नहीं है। तो काजल आपको कभी भी बच्चे की आईज में नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो मार्केट का हो, चाहे आपने वो घर पे बनाया हो। पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप डॉक्टर से भी इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हमें बच्चों को काजल लगाना चाहिए या नहीं, तो डॉक्टर्स भी आपको स्ट्रिक्टली मना करेंगे कि आपको बच्चे की आईज में बिल्कुल भी काजल नहीं लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप अपनी बच्चे की आईज में काजल लगाते हैं। देखिए, पहली चीज़ है कि बच्चे को कोई एलर्जी हो सकती है, जैसे बच्चे की आंखों से पानी आना, बच्चे की आंखें लाल हो जाना, रेडनेस हो जानी आईज में, या फिर बच्चों के आसपास आंख के जो है मस्से निकल जाते हैं, या फिर उनको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बच्चों को कई बार होता है कि आप काजल लगा रहे हैं उंगली से तो उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, या आपका नाखून ही बच्चे की आँख में जो है लग गया, उससे बच्चे को चोट पहुंच सकती है। तो ये सारे कारण हैं, और साथ ही साथ में ये भी है कि काजल लगाते हुए कई बार काजल ही आइस के अंदर चला जाता है, तो वो भी बच्चे के लिए सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें हार्मफुल ही हैं बच्चे के लिए। बच्चे की आंखें इससे टोटली डैमेज भी हो सकती हैं, और लेड जो है, जो मैंने आपको लेड का बताया, वो हमारे बच्चे की किडनी पे, जो बोन मैरो है उस पे, ब्रेन पे और आईज पे तो होगा ही होगा, इन सब पे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालती है ये जो हमारा मार्केट का बना हुआ काजल होता है जिसमें लेड प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में आप अपने बच्चे की आईज में बिल्कुल भी काजल का यूज़ ना करिए। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊँ, मेरे भी जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वगैरह हैं, उन्होंने बहुत मुझे बोला कि बच्चे की आँख में काजल लगाना चाहिए, इससे बच्चे को नज़र नहीं लगेगी, बच्चे की आँखें सुंदर होती हैं, बड़ी होती हैं। लेकिन मैंने इस बारे में पूरा स्टडी किया और मुझे पता चला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से भी मैंने इस बारे में बात की, उन्होंने भी मुझे स्ट्रिक्टली बोला कि बिल्कुल भी आपको काजल नहीं लगाना है,
और मैंने सिया को आज तक भी कभी भी काजल नहीं लगाया उसकी आईज में। सर्च में तो ये भी पाया गया है कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें तो जो है डैमेज होती ही हैं, साथ में 2 बच्चों की इससे मौत भी हुई है। तो ऐसे में आपको अपने बच्चे के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए और काजल को बिल्कुल भी बच्चे को नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं कि काजल लगाने से बच्चे को नज़र नहीं लगती है, अगर आप इस ये सोच के आप अपने बच्चे को लगा रहे हैं काजल, तो आप जो काजल का टीका है वो बच्चे को माथे पे या फिर आईज के ऊपर आईब्रो पे या फिर पाँव की तली में भी जो है काला टीका लगा सकते हैं, कान के पीछे भी लगा सकते हैं नज़र से बचाने के लिए, अगर आप इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन आईज में आपको बिल्कुल भी बच्चे के काजल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आईज इतना एक सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जिसमें अगर कुछ भी थोड़ा सा भी कण चल जाए तो आपको पता है हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हमारे बच्चे जो पहले ही इतने ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ हमें ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो पेरेंट्स हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, उनको ये बताया जा सके कि अपने बच्चों की आईज में जो है काजल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, आपको फ्यूचर में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस चीज़ को लेके। तो ऐसे में हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमारे बच्चे के लिए रिस्की हो। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।